शांति। पंचोतेरवा आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, उसके अंतर्गत आज वासना रोड सेवा केंद्र पर जोड़ों के दर्द का निशुल्क कैंप रखा गया है। खास करके इस प्रोग्राम को रखने का हेतु यही है कि आज का जो समय चल रहा है, उस समय में हम देख रहे हैं कि लोगों को तन का भी बहुत तकलीफ है और बहुत सारी तकलीफों का सामना वो कर रहे हैं, परंतु खास करके ये ज़रूरी है कि केवल तन स्वस्थ ना हो लेकिन तन के साथ साथ मन भी स्वस्थ हो। तो यहाँ पर दोनों ही स्वास्थ्य आपको प्राप्त होगा। कहते कि चार प्रकार के स्वास्थ्य है, तन का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, धन का स्वास्थ्य और संबंधों का स्वास्थ्य। और इसमें खास करके जरूरी है तन और मन का। तो तन के स्वास्थ्य के लिए दुनिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स लोग आयोजित करते हैं, योगा वगैरह के लिए भी लोग आज बहुत जागृत हो गए हैं, जिसमें शरीर की एक्सरसाइज वगैरह सिखाते हैं जिससे शरीर तंदुरुस्त रहता है। और वो ज़रूरी भी है हमारे लिए, क्योंकि अगर तन अच्छा होगा तो हम कुछ कर पाएंगे। परंतु तन स्वस्थ के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन स्वस्थ होना। तो यहाँ पर मैंने जैसे पहले कहा, दोनों प्रकार का स्वास्थ्य आपको प्राप्त होगा। और ये दोनों प्रकार का स्वास्थ्य जो है, उसमें एक बात बहुत कॉमन है, जैसे दुनिया में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तीन बातों का ध्यान रखने के लिए हमेशा डॉक्टर बोलते हैं कि समय के हिसाब से आजकल एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि लोगों का जो फिज़िकल वर्क है वो बहुत कम हो गया है, तो फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूरी है। दूसरा डॉक्टर कहते हैं कि खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, तो अच्छा डाइट बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ तीसरी बात जो डॉक्टर बताते हैं कि भाई शरीर को पूरा आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक होने के लिए तीन बातें बहुत ज़रूरी है। और तन को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग ध्यान भी रखते हैं कि भाई योगा वगैरह में जाते हैं, जिम वगैरह में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने के लिए भी ध्यान रखते हैं कि भाई ज़्यादा तला हुआ नहीं खाए या जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाए, और पूरा रेस्ट भी करते हैं। परंतु जैसे मैंने कहा कि अगर मन स्वस्थ नहीं है तो तन भी स्वस्थ नहीं रहेगा, इसलिए पहले मन को स्वस्थ करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रह्मा कुमारी के केंद्र में आपको यही सिखाया जाएगा कि राजयोग के द्वारा हम अपने मन को बहुत स्वस्थ बना सकते हैं, और जितना मन स्वस्थ होगा उतना तन के रोगों को भी हम अपने आप से बहुत दूर रख सकते हैं। चलो शारीरिक तकलीफ आएगी भी, लेकिन अगर मन से मजबूत होंगे तो हम उसको भी जीत सकते हैं, क्योंकि इसलिए दुनिया में कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो मन के जीतने के लिए ही राजयोग है, और राजयोग का अर्थ ही है कि मन की ऐसी यात्रा पर हमें चलना है जिस यात्रा के द्वारा हमें न केवल प्रभु को प्राप्त करना है, लेकिन प्रभु के पास जो भी शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को हमें अपने जीवन के अंदर प्राप्त करना है। तो राजयोग के द्वारा हम मन का स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए भी ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, एक्सरसाइज, डाइट और आराम। तो मन का एक्सरसाइज ये है कि हम योग करना सीखें, मेडिटेशन करना सीख लें, ताकि हम प्रभु के साथ बार बार अपने आप को कनेक्ट कर सकें। तो परमात्मा के साथ, परमात्मा की याद में रहना, वही एक्सरसाइज है कि हम मन को बार बार प्रभु के पास ले जाएं। डाइट की बात अगर हम मन के करें तो जैसे दुनिया के डाइट में भी हम वो चीज़ें नहीं खाते जो हमारे तन को ख़राब करती है। तो मन को ख़राब करने वाली जो चीज़ है, जो बात है, वो यही है कि व्यर्थ बातें, लोगों की बातें, है ना, कि ये वो है, वो फलाना है। तो हम राजयोग के माध्यम से ये सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने मन को व्यर्थ संकल्पों से बाहर लाएं और मन को पॉजिटिव संकल्प दें। और जितना मन हमारा पॉजिटिव होगा, अच्छे संकल्प करेगा, सकारात्मक सोच होगी मन की, वो मन जल्दी से प्रभु के साथ जुड़ सकता है। और आराम की जो बात करते हैं, तो आराम भी यही है कि जब मन बहुत सोचता है तो मन थक जाता है। तो राजयोग में हमें यही सिखाया जाता है कि जो मन का बोझ है
वो सारे मन के बोझ को परमात्मा को सौंप दो, तो आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा और कोई प्रकार की तकलीफ जीवन में नहीं रहेगी। क्योंकि जितना बोझ लेकर के, चिंता लेकर के हम घूमते हैं, उतना मन तो खराब होता ही है पर तन भी रोगी हो जाता है। तो तन और मन से निरोगी बनने के लिए ही ये खास करके इस कैंप का आयोजन किया गया है। तो इस कैंप के दौरान जो परमात्मा के बच्चे हैं, बीके राजू भाई, बीके श्याम भाई और बीके नरेश भाई, खास करके इन्हीं बातों पर ध्यान दोराते हैं। कोई दवाई वगैरह नहीं देते हैं, परंतु कैसे हम अपनी जीवन शैली को चेंज करें, क्या खाए, कैसे सोए, है ना, क्या एक्सरसाइज करें, वो आपको सिखाया जाता है। तो ज़रूर से आप इस का लाभ लीजिए, इस प्रोग्राम का। और अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो ज़रूर आप सेंटर पर आकर के राजू भाई का या वहाँ जो लोकल बहनें रहती हैं उनका कांटेक्ट करके अपनी जो भी तकलीफ़ है वो बता सकते हैं और उस तकलीफ़ से आपको राहत भी मिलेगी। तो राजू भाई आपको बताएंगे कि भाई कैसे हम एक्सरसाइज करके अपनी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। श्याम भाई जो खास करके डाइट के बारे में बताते कि भाई ये तकलीफ़ है तो क्या खाए क्या नहीं खाए, और साथ में नरेश भाई है वो भी बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज सिखाते हैं कि ये जो तकलीफ है उसको आज यहाँ पर तो आपको ठीक कर देंगे कि भाई यहाँ प्रॉब्लम है तो थोड़ा करेंगे ठीक, परंतु रूटीन में भी आपको फिर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो खास नरेश भाई आपको बताते कि डेली आप क्या एक्सरसाइज करो ताकि आपको चलने फिरने में या बैक पेन में कोई तकलीफ ना हो, है ना, बैक पेन ना हो। तो इस तरह से ये प्रोग्राम का पूरा आयोजन है और आप सभी भी इसका लाभ, अगर तकलीफ़ है तो ज़रूर से लें, और अगर आपके आसपास में भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप अवश्य आपके एरिया में जो भी ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र है वहाँ जाकर के मुलाकात ले सकते हैं। नहीं तो इनका एक चैनल जो है ओम शांति हेल्थ चैनल, वहाँ पर भी आप यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हो और वहाँ से भी आपको कई सारी जानकारी प्राप्त होगी। ओम शांति।